अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के एक धारावी इलाके में। और यहाँ पर जो एक विशेष बात है, एक भारत देश के अंदर एक ऐप आया था टिकटॉक करके, और इसको आज के यूथ जनरेशन कुछ इस तरीके से यूज़ कर रही है कि कुछ नेगेटिव भी कर रही है, कुछ पॉजिटिव कर रही है। और उसी के बीच में सबसे पॉपुलर अब के दौर में जो टिकटॉक पे टीम चल रही है 07 के, अदनान हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप 07 अब इतनी पॉपुलर हो चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाता है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है अभी 07 की? फ्यूचर प्लानिंग तो मतलब अभी शो पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए अभी तक का की है, पर पब्लिक की हेल्प करने के लिए अभी तक का ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया। तो हम लोग कुछ वैसा कुछ करने वाले हैं और बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो एंटरटेन करने से अभी कुछ हटके कुछ हेल्प करने वाले हैं हम लोग, तो वो हेल्प किस वे में करेंगे वो अभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो बहुत ही जल्द हम लोग करने वाले, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो। अच्छा, धारावी से आप हो, कुछ धारावी के लिए आपने बड़ा सोचा है कभी? धारावी के नहीं, मैं सभी, मतलब एक अपने एरिया के लिए नहीं, मैं सभी के लिए, मतलब सभी ज़रूरतमंद, जो भी ज़रूरतमंद है सबके लिए सोचा हूँ, और इंशाल्लाह मैं करूँगा अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही जल्दी। अच्छा, टिकटॉक पे जो आपको नेगेटिव वे में लेते हैं कि 07 है बहुत ऐसा फेमस हो गई है तो हेटर्स को हेट करती है, और काफ़ी सारी वाहियात जो अफवाह उड़ती है, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें ज़्यादा बोल के मतलब नहीं है, जो लोग मिले रहते हैं उन लोग को पता है कि हम लोग का नेचर कैसा है। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की दलदल में धंसते चले जा रही है, अब नशे से हट करके उनको क्या करना चाहिए? आपने तो टिकटॉक फन की तरह यूज़ किया था, लेकिन अब आपको फेम मिल रहा है उस पर, कुछ उनको और कुछ करना चाहिए क्या नशे से हट करके? टिकटॉक भी मैं देखो ग्रेजुएशन के बाद ही किया हूँ, मतलब पहले करता था रेयरली, एकदम एक आध वीडियो बना लिए 2-4 दिन में तो हो गया, मगर अभी डेली हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज अ प्रोफेशन हम लोग मतलब कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, जो भी यंगस्टर्स है, जो भी टीनेजर्स है, यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अपने माँ बाप को कहना मानो। मैं भी मतलब स्टार्टिंग में मैं जब करता था, जब मैं कॉलेज मेरा ख़त्म होने वाला था, तो वो टाइम पर मैं करता था, तो मैं डैडी मेरे को चिल्लाते थे कि तेरा बोर्ड्स है फेल हो जाएगा, इतना फ़ोन में लगे रहता है ये वो। रात में मैं मतलब साउंड ढूंढने के लिए मैं लगे रहता था फ़ोन में, फिर चद्दर डाल के मैं यूज़ करता था फ़ोन, तो बहुत अब्बा माना चिल्लाते थे मुझे, तो मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं हाँ हाँ करता था। फिर बाद में अब्बा को सूरत में काम था, तो वो टाइम पे फ़ैन फॉलोइंग स्टार्ट हुई थी, मतलब एक लेवल अप होना स्टार्ट हुआ था, तो अब्बा को बोला मैं भी चलूँ, तो हम लोग सूरत गए थे, तो वहाँ पे अब्बा देखे तो वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग मतलब स्टार्ट हुआ था वो टाइम पे, हम लोग का लेवल अप हुआ था, फर्स्ट लेवल अप हुआ था, तो वहाँ पे लोगों का मिलने का तरीका, इतना इज़्ज़त देने का, फिर अब्बा को भी मैं बताया मेरे अब्बा हैं, तो अब्बा को भी बहुत इज़्ज़त दे रहे थे, एकदम घर जैसी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। तो वो देख के वापस जब रिटर्न मुंबई आया ना, तो उसके बाद से अब्बा रोकना टोकना बंद कर दिया मुझे, तो मैं भी फिर अच्छे से इंटरेस्ट लिया, फिर आज यहाँ हूँ। अच्छा, टिकटॉक के अलावा भी आप कोई प्रोफेशनल लगते? जैसे कि सारे लोग पूछ रहे थे, बोले टिकटॉक पे ही इन लोग, खाली इन लोगों का कुछ ओरिजिनल टैलेंट नहीं है? ओरिजिनल टैलेंट तो बहुत कुछ है मेरे अंदर, ऐसे देखेंगे तो मैं बता नहीं, जैसे एलैबोरेट करने जाऊँगा तो फिर बहुत कुछ है, मैं कोई चीज़ से पीछे नहीं हटाऊँ। और मैं एयरटेल में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर भी काम कर चुका हूँ, मैं इनिनॉर जब कंपनी थी वो टाइम पे सेल्स प्रमोटर भी था, और मेरी खुद की रेस्टोरेंट थी, मैं वो रेस्टोरेंट खुद रन करता था, मुझे खाना भी बनाने आता है, हम लोग के नॉर्थ साइड में A to Z मतलब जो भी डिशेस फेमस है वो सब मुझे बनाने आता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे नॉर्थ में, मैं साउथ नॉर्थ इंडियन हूँ, यूपी का हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे नान गोश का सालन फेमस है जो कि तांबे के बर्तन में बनता है, तो वो चीज़ भी मुझे मतलब मेरे हाथ का वो स्पेशल है, और रोटी में चपाती नहीं आती है, तंदूरी आती है। अच्छा, शेफ़ भी हो? हाँ, शेफ़ भी हूँ, और जब टिकटॉक नहीं था तो वो टाइम से मेरा स्टारडम स्टार्ट हो गया था, मतलब सोशल मीडिया नहीं, मैं एज अ राइडर फेमस था, मैं बाइक पे स्टंट्स वगैरह करता था, बहुत गिरता पड़ता था, हर 2 महीने में एक्सीडेंट होते थे मेरे, हाथ टूटता था कभी इधर कभी चेहरा स्टंट्स में ये वो। तो जैसे आपकी पूरी जो 07 टीम है वो क्या क्या करती थी? वो भी राइडिंग? नहीं, हसनैन नहीं करता था राइडिंग, और फिर मेरे को देख के इंस्पायर होके फिर फैसल का भी मन करने लगा, फिर फैसल भी करने लगा, और शादान भी करता था, शादान मगर अकेले में अपना अलग ही करता था स्टंट राइडिंग, तो मैं खुद शादान के पास गया था एक बार, मैं बोला था मतलब थोड़ा अपने हिसाब से, मैं टिप्स, मेरे को वो लड़का शादान अच्छा लगता था तो मैं खुद उसको टिप्स देता था, फिर वैसे हम लोग की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, मतलब स्टंटिंग से मेरी और शादान की फ्रेंडशिप हुई, और बाकी मैं, हसनैन और फैसल, हम लोग तीनों तो मतलब कॉलेज फ्रेंड्स थे। अच्छा, सबका क्या क्या था मतलब करते थे? जैसे आप राइडिंग करते हो, हसनैन हो गया, फैजू हो गया, हसनैन समझ जाओ एकदम एक नॉर्मल सा लड़का था जो अपनी दुनिया में मस्त रहता था, मतलब किसी से मतलब नहीं कुछ नहीं,
अपना कॉलेज, काम से काम, चुपचाप घर, ज़्यादा बात नहीं, एक लिमिट में। और फिर जब आया है म्यूजिकली ऐप आया तो यूज़ कर करके ऐसा अपने एक्सप्रेशन से लड़की लोग को इम्प्रेस कर दिया उसने। और फैसल? फैसल तो फैसल कॉलेज में एज अ मॉडल फेमस था, फैशन शो वगैरह करता था पहले से, और मैं तो हर चीज़ में था, मतलब फैसल मल्टी टैलेंट, मैं कोई चीज़ पीछे नहीं हटता था। डांस बोलते थे तो अचानक चढ़ जाऊँ स्टेज पे, फैशन शो बोलते थे तो फैशन शो में कूद जाऊँ, पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट में कोई नहीं रेडी होता था तो किसका नाम डालने का, अदनान का डाल दो, ऐसा होता था। तो मतलब कभी माइक पकड़ने में शर्माया नहीं या स्टेज पे चढ़ने से शर्माया नहीं, तो बस मेरा यही एटीट्यूड लोगों को पसंद आया। और टीम 07 में एक ही कपल से और सबसे ज़्यादा एज आपकी, कभी शादी का कुछ सोचे हो आपने? नहीं नहीं, अभी बहुत छोटा हूँ मैं। ये सब बोल रहे थे, बोले 24 हो गई शादी। हाँ, एज तो 24 है, देखो जो है फैक्ट वो है, मेरी एज हो गई 7 अगस्त 1994, पर इतने जल्दी नहीं शादी, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है और बहुत कमाना है, इंशाल्लाह फिर शादी करूँगा। तो आपकी टीम में ऐसा कुछ है कि आप ही सबसे पहला शादी करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं अभी। जब फैज़ बलोच का आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है ट्रेंड। हाँ, तो उन लोग की मंगनी होने वाली है फैज़ की, और मेरा तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, और अभी करेंगे भी नहीं डिसाइड, बहुत टाइम है अभी, अभी मैं सोच रहा ही नहीं हूँ। अच्छा अंकल, जैसे कि अदनान बहुत फेमस हो गया, जब आपको मालूम पड़ा था, कैसा लगा था आपको उस टाइम? फेमस होने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जब मेरे साथ ये सूरत गया था, मैंने वहाँ जब क्रेज़ देखा और इसके दोस्तों का प्यार देखा, तो मैं उससे इंस्पायर हुआ और इसको मैंने फिर छूट दी। इससे पहले कि जब ये पढ़ाई कर रहा था, तो मैं चाहता था कि ये केबिन क्रू का इसको ऑफ़र आया था, तो मैंने बोला इसको इंटरव्यू दे इसमें, मगर इसकी दिलचस्पी इसमें थी, लिहाजा मैंने इसको सूरत से आने के बाद में मैंने इसको छूट दी, और मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी ये लाइफ जीना चाहते तो ये बिल्कुल मेरी तरफ से ये है कि आप कर सकते हो, मगर ये किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना बस। अच्छा, जब फेमस होने लगा, आपके रिश्तेदारों में कैसा रिएक्शन था? हमारे रिश्तेदारों में जो रिश्तेदार नहीं बनते थे, वो भी रिश्तेदारी ढूंढ के निकल के सामने आने लगे, ये हमारा रिश्तेदार है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो कभी नहीं पूछते थे वो लोग भी आज रिश्तेदार बन के सामने आ गए। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो आने के लिए कहे कि मुझे भी अदनान से मिलाओ या रिश्तेदार में आए हैं, क्या हो गाँव में? आते हैं, बराबर आते हैं, और मैं उनसे मिलाता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको कभी अवॉइड किया है। जो जहाँ जहाँ से, जहाँ जहाँ रिश्तेदारियाँ हमारी, सब लोग वहाँ से आते हैं। सब लोग आते हैं जी। अच्छा, आज की जो यंगस्टर है, उनका भविष्य टिकटॉक ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो सब जन अगर टिकटॉक बनाने लगेंगे तो फिर डॉक्टर नहीं रहेंगे, फिर इलाज के लिए फिर बाहर जाना पड़ेगा, फिर हम लोग को, फिर जहाँ पे डॉक्टर, जो कंट्री में डॉक्टर आप बोल रहे हो, डॉक्टर लोग भी बना रहे आजकल। हाँ, तो ओकेजनली मतलब एकदम रेयरली ऐसे बना रहे तो ठीक है, मतलब इसको एक फ्यूचर समझ के मत यूज़ करो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, बस जिसके अंदर है टैलेंट और जो सच में मतलब, और ज़्यादातर जो टीनेजर्स है, टीनेजर्स लोग को यही बोलूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि हम लोग सब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही किया और माँ बाप का कहना मानते हैं बस, और ये जो कलर वलर कर रहे बाहर, ये सब भी ग्रेजुएशन के बाद ही कर रहे हैं हम लोग, तो वो आप लोग ये मत सोचो कि हम लोग को टीनेज में ये सब करना चाहिए, तो आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, और माँ बाप अगर आप लोग के खुश है तो आप लोग करो, नहीं तो माँ बाप लोग खुश नहीं है तो फिर मत करो आप। अच्छा, पहले के मुकाबले अभी सोशल मीडिया पे फैंस फॉलोइंग करना कितना कठिन हो गया है? कठिन आज के टाइम पे कंपटीटर बहुत हो गए, मतलब पहले कंपटीशन नहीं था इतना, आज के टाइम पे जहाँ एक मतलब स्टारडम बनाना बड़ी बात नहीं है, स्टारडम बनाने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, मतलब क्योंकि इतने कंपटीशन हैं चल रहे हैं आज के टाइम पे, मतलब 10 अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, और सब जन मतलब ट्रेंड में आने के लिए मतलब अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं, तो मतलब बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है, और अपना लेवल अप करने के लिए ऐसे स्टारडम तो मेंटेन हो गया, फिर कॉम्पिटिटर सब अगर है ना ऐसे, तो उसको मेंटेन करने के लिए ना फ्लो ना ऐसे ही रखना पड़ेगा, मतलब लेवल अप ही रखना पड़ेगा कंपैरेटिवली, तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर जहाँ स्लो हुए तो वहाँ पीछे से कोई आगे चले आएगा। अच्छा, इंटरनेशनली जो फेमस हो गया टीम 07, अब उस पर क्या आपका रिएक्शन है? बस मुझे तो ऐसे ही लगता है कुछ नेकी हम लोग की, कोई इंडिया के अलावा भी आप कंट्री में और आपके फैन फॉलोअर हैं, ऐसे लगता है माँ बाप की दुआएँ हैं एक तो, और ऐसे लगता है कुछ नेकी किए रहेंगे हम लोग, बस उसी की दुआ लग गई रहेगी हम लोग को। जिस तरीके से अदनान शेख ने कहा कि हम काफ़ी स्ट्रगल करके इस फील्ड में आए हैं, अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि इस तरीके से लोग टिकटॉक को अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं या खाली एक मजाकिया तौर पर लेते हैं। अफजल शेख, मुंबई TV।